हेलो फ्रेंड्स, आई एम राजीव। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द फार्मेसी ज्ञान। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एसिड बेस थ्योरी और उसके लिमिटेशन के बारे में। उससे पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इससे क्या होगा, हमारे चैनल पर आने वाले नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन अब तक जल्दी पहुँच जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। According to Arrhenius acid base theory, acid is a substance which ionizes to give hydrogen ion and its corresponding negative ion when dissolved in water. Or we can also say that acid is a substance which held hydrogen ion in an aqueous medium. Yani acid ek aisa substance hai, jab wo water ke saath yani aqueous solution ke saath dissolve hoga, tab wo acid toot kar ek hydrogen ion mein और उसके करस्पॉन्डिंग नेगेटिव आयन में डिवाइडेड हो जाएगा, यानी हाइड्रोजन आयन प्राप्त होगा। फॉर एग्जांपल, अगर हम HCl एसिड्स को H2O यानी वाटर के साथ मिलाएंगे, तब वो HCl एसिड टूटकर एक हाइड्रोजन आयन में और एक नेगेटिव के करस्पॉन्डिंग तौर पर क्लोराइड आयन डिवाइडेड हो जाएंगे। और बेस क्या है, बेस इज अ सब्सटेंस विच गिव हाइड्रोक्सिल आयन इट इज़ करस्पॉन्डिंग पॉजिटिव आयन व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। यानी बेस एक ऐसा सब्सटेंस है, जब वो वाटर के साथ डिसॉल्व होगा तब वो हाइड्रोक्सिल आयन में डिवाइडेड हो जाएगा। और हम ये भी कह सकते हैं, बेस इज ए सब्सटेंस विच एल्ड हाइड्रोक्सिल आयन इन एन एक्वस मीडियम। यानी बेस एक ऐसा सब्सटेंस है, जब उसे हम वाटर के साथ मिलाएंगे तब हमें हाइड्रोक्सिल आयन प्राप्त होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, NaOH एक बेस है, जब उसे हम वाटर के साथ मिलाएंगे तब हमें करस्पॉन्डिंग पॉजिटिव आयन और हाइड्रोक्सिल आयन प्राप्त होगा। अब हम देख लेते हैं लिमिटेशन ऑफ अरेनियस थ्योरी। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज न्यूट्रलाइज्ड बाय बोथ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन एंड अमोनिया सॉल्यूशन। इन बोथ केसेस यू गेट अ कलरलेस सॉल्यूशन विच यू कैन क्रिस्टलाइज टू गेट अ वाइट सॉल्ट आइदर सोडियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड। जब हम एक सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन को अगर हम HCl से रिएक्ट करते हैं तब हमें सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर फॉर्म हो रहा है। उसी तरह अगर हम एक अमोनिया को HCl एसिड के साथ मिलाएंगे तब हमें अमोनियम क्लोराइड फॉर्म हो रहा है। एक्चुअली दोनों सिमिलर रिएक्शन है, जिसमें वाइट क्रिस्टलाइन फॉर्म यानी वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर्स फॉर्म हो रहा है। यानी जिसमें अमोनिया में जब हम अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स को मिला रहे हैं, उसमें हाइड्रोजन आयन फ्रॉम हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब अमोनिया के जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उसके साथ मिलकर अमोनियम आयन फॉर्म हो रहा है, और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड के जो OH ग्रुप है वो और यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप और हाइड्रोजन आयन फ्रॉम एसिड्स दोनों मिलकर वाटर फॉर्म हो रहा है। यानी अमोनिया एक बेस है, जब वो एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट हो रहा है आयन फॉर्म नहीं कर रहा है। इसी को अरेनियस ने एक्सप्लेन नहीं कर पाया। अगर हम दूसरे लिमिटेशन की बात करें तो अरेनियस थ्योरी इज इनएबिलिटी टू प्रेडिक्ट सक्सेसफुली वेदर अ गिवन एक्वस कंपाउंड इज एसिड और बेस। यानी अरेनियस एक एक्वस सॉल्यूशन को सही तरह से प्रेडिक्ट नहीं कर पाया कि वो सॉल्यूशन एसिड है और बेस है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम हाइड्रोजन फॉस्फेट को लेते हैं जिसमें हाइड्रोजन आयन है, अकॉर्डिंग टू अरेनियस ये एक बेस है, बट अगर हम उससे लिटमस पेपर से चेक करते हैं तो वो बेसिक को दर्शाता है। सिमिलरली, अगर हम एक सॉल्ट्स को लेते हैं जो कार्बोनेट आयन है, जिसमें बेसिक प्रॉपर्टी है जब वो वाटर में डिजॉल्व होता है, बट अरेनियस के हिसाब से वो एक एसिड है। तो इसी तरह अरेनियस बहुत सारे कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। एंड आवर नेक्स्ट थ्योरी इज ब्रॉन्स्टेड लॉरेल थ्योरी। इन दैट अकॉर्डिंग टू हिम एसिड इज अ सब्सटेंस विच इज प्रोटॉन डोनर एंड बेस इज प्रोटॉन एक्सेप्टर। इन दैट एग्जांपल, HCl इज डिसोसिएट टू फॉर्मिंग हाइड्रोजन आयन एंड क्लोराइड आयन एंड बेस टू फॉर्मिंग दैट्स अमोनिया रिएक्ट विथ हाइड्रोजन to forming ammonium. In that, acids act as proton donor. So
In the case HCl, when water, the HCl readily give a proton to water, then it's dissolved, producing oxygenium ion, commonly written as H plus, and chloride ion. When HCl react with water, then proton is reacted with water to form oxygenium ion, and this base acts as proton acceptor. They have ability to accept a proton to form an acid. This is because they have lone pair of electron capable to form a covalent bond with that proton. This mein ammonia ek hydrogen ion ke sath react ho raha hai, yani ammonia mein lone pair of electrons hai jo ek proton ke sath milkar proton ko accept karke ek covalent bond form karne ki kshamata rakhte hai, jisse ammonium produce hota hai. अब हम बात करेंगे ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट के एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में. दिस कॉन्सेप्ट कैन एक्सप्लेन द एसिडिक बेसिक नेचर ऑफ द सब्सटेंस इन द एक्वस एज वेल एज अदर प्रोटोनिक सॉल्वेंट्स लाइक अमोनिया. और ये जो कॉन्सेप्ट है वो एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन के नेचर को यानी सब्सटेंस के नेचर को वाटर के साथ साथ दूसरे प्रोटोनिक आयन में भी एक्सप्लेन कर सकता है. और disadvantage, it cannot explain acid-base reaction taking place in the non-protonic solvent. और ये जो Bronsted concept है ये acid-base substance के acid-base जो nature है उसे non-protonic solvent में explain नहीं कर सकता. And it can also explain acid-base reaction taking place gaseous phase. और ये acid-base को भी gaseous phase में भी explain कर सकता है. And disadvantage is substance like BF3 and AlCl3, aluminium chloride, etc. do not have any hydrogen, and hence can't a proton, but are known as behave as acids. और जो substance like BF3 है, aluminium chloride है, इसमें hydrogen ion ना होने पर भी यानी proton ना होने पर भी एक acid तरह behave करता है. इससे ब्रॉन्स्टेड लॉरल थ्योरी ने एक्सप्लेन नहीं कर पाया. एंड नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द लिमिटेशन ऑफ ब्रॉन्स्टेड लॉरल कॉन्सेप्ट. इट कुड नॉट एक्सप्लेन द एसिड एंड बेसिक नेचर ऑफ द कंपाउंड्स हैविंग नो टेंडेंसी टू लूज और गेन हाइड्रोजन आयन. एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया एंड सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड. इट मीन्स है ये कुछ कंपाउंड्स के बारे में एक्सप्लेन नहीं कर पाया, यानी वो कंपाउंड्स के नेचर के बारे में, ए एसिड है और बेस है, इसके बारे में वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया. जैसे कुछ कंपाउंड्स है जो कि इलेक्ट्रॉन को गेन करना अथवा लूज करने की क्षमता नहीं होते, वैसे कंपाउंड्स के नेचर के बारे में वो एसिड है और बेस है, इसके बारे में ये ब्रॉन्स्टेड लॉरल बता नहीं पाए. जैसे एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड है, अमोनिया है, सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फर ट्राइऑक्साइड है, ये ना ही इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है और ना ही गेन कर सकता है. इट कुड नॉट एक्सप्लेन द बेसिक नेचर ऑफ द कंपाउंड हैविंग OH आयन. और कुछ कंपाउंड्स है जिसके OH आयन एंड हाइड्रोक्सिल आयन होते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, इसके बारे में इसके बेसिक नेचर को एक्सप्लेन नहीं कर पाए. एंड आवर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज लुईस थ्योरी. Lewis acid base theory related acid base behavior of molecule to their molecular structure. According to Lewis theory, Lewis acid, a species that is an electron pair acceptor, and Lewis base, a species that is an electron pair donor. Yani acid is a electron pair acceptor and base is a electron pair donor. And now limitation of Lewis theory. Since the strength of Lewis acids and base is found to depend on the type of reaction, it is not possible to arrange them in any order of their relative strength. और जो Lewis acids base के जो strength है, जो acid base strength को जो पाया जाता है वो उसके reaction के ऊपर depend करता है. और हम इस स्ट्रेंथ को किसी भी तरह की अरेंजमेंट नहीं कर सकते.
And second point is, as Lewis acid-base reaction involve strength, they are expected to be very fast reaction. However, there are many Lewis acid-base reaction which are slow. और जो एसिड्स बेस रिएक्शन है, फिर से एक बार देख लेते हैं शॉर्टकट रिएक्शन है अरेनियस थ्योरी, बहुत ही फास्ट रिएक्शन होते हैं एनी सब्सटेंस व्हिच अकॉर्डिंग टू लुईस थ्योरी, बट हाइड्रोजन आयन इन वाटर सॉल्यूशन एसिड बेस रिएक्शन है जो कि एनी सब्सटेंस व्हिच रिलीज हाइड्रोक्सिल आयन ऑन वाटर सॉल्यूशन नहीं कर पाए, एंड ब्रॉन्स्टेड लॉरेल थ्योरी एनी सब्सटेंस व्हिच डोनेट अ प्रोटॉन, एंड दिस बेस डेफिनेशन एनी सब्सटेंस व्हिच एक्सेप्ट अ प्रोटॉन, एंड लुईस थ्योरी एनी सब्सटेंस व्हिच कैन accept an electron pair, and this base definition any substance which can donate a electron pair. तो दोस्तों आज के इस वीडियो आपको कैसे लगा हो कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम इसी तरह के रिलेटेड फार्मर से रिलेटेड वीडियोस हमें चैनल पर लाते रहते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग.